एक बार की बात है, एक हरी भरी पहाड़ी की तलहटी में बसे एक शांत गांव में डेक्स्टर नाम का एक गधा रहता था। डेक्स्टर पूरे ग्रामीण इलाके में सबसे आलसी गधा होने के लिए कुख्यात था। जबकि अन्य जानवर खेतों में अथक परिश्रम करते थे, डेक्स्टर को अक्सर एक शक्तिशाली ओक के पेड़ की छाया के नीचे झपकी लेते हुए पाया जाता था। गांव वाले अक्सर अपना सिर हिलाते और बड़बड़ाते कि उन्होंने कभी इतना आलसी गधा नहीं देखा। डेक्स्टर का मालिक सैम नाम का एक दयालु किसान, एक धैर्यवान व्यक्ति था जिसने कम उम्र से ही गधे को पाला था। डेक्स्टर की लगातार आलस्य के बावजूद सैम गधे से प्यार करने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे कुछ प्रेरणा मिलेगी। एक उज्जवल और धूप वाली सुबह जब मुर्गे बांग दे रहे थे और पक्षी अपनी धुनें बजा रहे थे, सैम ने एक अलग तरीका आजमाने का फैसला किया। उसने डेक्स्टर को गेहूं और गाजर की बोरियों से भरी एक छोटी गाड़ी में बैठाया और वे गांव के हलचल भरे बाजार की ओर चल दिए। हमेशा की तरह डेक्स्टर अपने खुरों को गंदगी में घसीटते हुए सुस्त चाल से चला। बाजार में उन्होंने पूरे गांव के सबसे ऊर्जावान घोड़े, जिसका नाम ठंडर है, के बगल में अपना साधारण स्टाल लगाया। ठंडर का कोट सूरज की रोशनी में चमक रहा था और वह गर्व से इधर उधर घूम रहा था, जिससे कई खरीदारों का ध्यान आकर्षित हुआ। लोग ठंडर की सेवाएं खरीदने के लिए कतार में खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह उनका सामान उत्साह और तेजी से ले जाएगा। दूसरी ओर डेक्स्टर वहां खड़ा था, अपने आसपास की हलचल से बेखबर। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सैम ने डेक्स्टर को चलने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन गधा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसे अपनी आय अर्जित करने में बहुत कम रुचि थी। दोपहर के समय लिली नाम की एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ बाजार पहुंची। उनके पास ताजी पकी हुई ब्रेड से भरी थैलियों से भरी एक गाड़ी थी। जब लिली ने ठंडर को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत ठंडर के मालिक से बातचीत शुरू कर दी। वे गांव के आसपास की विभिन्न दुकानों तक ब्रेड पहुंचाने के लिए ठंडर का उपयोग करने पर सहमत हुए। लिली और उसकी माँ की व्यवस्था देखकर सैम को एक विचार आया। उसने लिली और उसकी मां से संपर्क किया और डेक्स्टर की सेवाओं की पेशकश की और समझाया कि वह उनका गेहूं और गाजर पास की दुकानों तक ले जा सकता है। लिली की मां सहमत हो गईं, लेकिन उन्हें डेक्स्टर की कार्य नीति के बारे में थोड़ा संदेह था। डेक्स्टर यह सुनकर कि एक काम किया जाना था जीवित हो उठा। वह उत्साहित हो गया, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक लग रहा था। सैम ने डेक्स्टर को बोरियों से भरी गाड़ी में बैठाया और वे अपनी पहली डिलीवरी करने के लिए निकल पड़े। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए डेक्स्टर ने आश्चर्यजनक ऊर्जा के साथ गाड़ी खींची। वह गर्व से चलता था, उसके कान खड़े थे और उसकी पूंछ ऊंची थी। लिली और उसकी मां ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि डेक्स्टर ने लगन से काम किया, कुशलतापूर्वक डिलीवरी की और टिप के रूप में कुछ अतिरिक्त सिक्के भी अर्जित किए। डेक्स्टर के परिवर्तन के बारे में बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही वह सामान ढोने के लिए सबसे अधिक मांग वाले गधों में से एक बन गया। सैम को अपने कभी आलसी गधे में आए बदलाव पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि डेक्स्टर को केवल उद्देश्य की भावना की आवश्यकता थी। उस दिन के बाद से डेक्स्टर को गांव में सबसे आलसी गधे के रूप में नहीं जाना जाता था। उन्होंने अपनी प्रेरणा खोज ली थी और अपने काम पर गर्व पाया था। एक समय का आलसी गधा सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया था, जिसने यह साबित कर दिया कि कभी कभी किसी की वास्तविक क्षमता को जगाने के लिए बस सही अवसर की आवश्यकता होती है।